खुद अभी पुलिस ही साइड कर रहा है बाइक को, तो आराम से दौड़ाना। हाँ हाँ, देसी ब्लॉगर ही हूँ। थैंक यू यार, इट वॉज नाइस। अरे यार चलो यार, थैंक यू। बस आराम से ठीक। What's up guys? What's up? Sanjay, how are you? Bas, badhiya. A very good morning from Darjeeling guys. What's up people, this is Arjun here and once again welcome back to my YouTube channel Desi Vlogger. So kaise ho guys aap log, hope ki aap sab acche ho and acche hi rehna. All right guys, yeah. And aapko pata chal chuka hai ki Babu bhai UK07 हमारे साथ है। हम कल एक भी ब्लॉग शूट नहीं हुआ, शूट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम काफ़ी मतलब बिजी थे, सब कुछ मैनेज हम कर रहे थे ना, तो इसके चलते मतलब 12 बजे के तो मुझे सिलीगुड़ी उतरना था, उनको वहाँ पे छोड़कर सिलीगुड़ी उतर के फिर दार्जिलिंग आना था डायरेक्ट, तो वहीं पे मतलब ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हुआ हमारा। तो या इट्स अ थर्ड डे विद UK07। तो चल, हाय एवरीवन, हाय गाइस, निर्लिप्तो 365 ब्रेकफास्ट आ चुका है एंड अब ब्रेकफास्ट करेंगे। सो टाइम अपडेट, इट्स 9 या नो नॉट 9 यार, 10:06 इन द मॉर्निंग, 10 बज चुका है, पता ही नहीं चला टाइम कब मतलब कैसे गुजर रहा है। हियर इज द सरप्राइज, दिखा देते यार, मतलब या इट्स 1 मिलियन फॉलोअर्स द UK07 राइडर्स। ओके चलो, तो गाइस बेसिकली चलो आज हम सेलिब्रेट करते हैं 1 मिलियन फॉलोअर्स होने पर इंस्टाग्राम पर अपने भाई बाबू भैया का। तो चलो आप उनके रूम चलते हैं ना। What's up guys? What's up? Sanjay nuncha dai? Bas, badhiya. Tapi kasto nuncha dai? I'm Sanjay nuncha. Sanjay, okay, fine yeah. Matlab great. Ye sab cheez sunke na bahut acha lag raha hai. In fact, jab se matlab Babu bhai Darjeeling enter kar rahe hain na, to kuch na kuch matlab words matlab kehte ja rahe hain Nepali mein. La la. Mereko aati hai thoda bahut. Mereko samajh mein to pura actually samajh mein aati hai. Ha, pura samajh mein aata hai, but mereko bolne ke liye thoda sa sochna padta hai ki main kya bolu. Kya reply do? Ha. Unsaid nikal jata hai waise. Ek mereko dog dinchu acche se aata hai. Ha. Aur एक और वो था यार, उसने क्या सिखाया था उस लड़की ने? नहीं नहीं, मुझे पता है ये ऐसे क्या बोलते हैं कि जब आप बोलते हो कि सांचे सो बेसिकली बाबू भाई, तो आपको कैसा लगा दार्जिलिंग? बहुत अमेजिंग था भाई। मैं कल रात हम लोग इंटर हुए भाई, बादल रोडों पे आ रखे थे, इतना अमेजिंग था। और रात को ना ठंडा लग रहा था, मैंने अपेक्षा को एक बार उठ के भी बोला, मैंने कहा यार एसी चल रहा है तो बंद करके फिर उठ के देखा क्या, तो एसी है नहीं रूम पर, बहुत ठंडा था। और हम लोग दरवाजे बंद करके सोए थे, अगर हम लोग दरवाजा खोल के सोते ना तो जम जाते। तो आपको यहाँ का खाना और लोगों कैसा लगा? बहुत अमेजिंग, खाने ज्यादा लोग बहुत अच्छे हैं यार, मतलब बहुत ज्यादा प्यार है। ये उन स्टेट मतलब ये उन जगहों में से रहा जहाँ मैं मतलब सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे भी लोग देखते होंगे, बट इतना क्रेजी क्राउड है ना, बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिल करके। एंड आज हम लोग फाइनली सब लोगों से मिलने का प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग सिलीगुड़ी से बाहर इसलिए रुके थे ताकि हम लोग अरेंज कर पा रहे एक्चुअली हम भाग नहीं रहे यहाँ पे। एग्जैक्टली, हम लोग सिटी में रहते ना, सच्ची में गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, पॉसिबल ही नहीं हो पाता। हम लोग लोगों को संभालते या ब्लॉग एडिट करते, ब्लॉग अपलोड करते, अभी भी 4-5 काम वीडियो शूट्स रुके हैं, तो आज हम लोग को फाइनल निपटाएंगे और मिलते हैं गाइस सिलीगुड़ी। गाइस हमारे तरफ से बाबू भैया को 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तरफ से कुछ यहाँ पे केक कटिंग होगा अभी, तो चलिए शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं गाइस। ब्लॉग शूट करना भाई? हाँ मेरा तो आपका भी करना है ना, अभी तो भूल गया मेन आपने। क्या कहेंगे गाइस, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 1 मिलियन, हैप्पी 1 मिलियन। ओह थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस केक। मैं मेरे को ऐसा था कि यू नो 1 मिलियन हुए तो हम लोग हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। इवन मैंने लोगों को कहा था कि हम लोग इंस्टाग्राम पे लाइव जाएंगे, बट हम लोग जा नहीं पाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस केक। थैंक यू। एडी भाई आ जाओ, हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर, हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी, ये लो। एक सेकंड, ये आपका है हर स्टेट में अपने अपने लाइक हार्डकोर मैनेजर्स होते हैं। यहाँ पर सौरभ भाई है जिन्होंने सब कुछ मैनेज करा। थैंक यू सो मच सौरभ भाई फॉर मैनेजिंग एवरीथिंग। मेरे को थोड़ी सी टेंशन थी कि क्या होगा कैसे होगा, बट हम लोग बहुत सेफ एंड क्लीन आ गए, तो दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच सौरभ भाई, थैंक यू। और नील भाई, नील भाई,
नीलकंठ भाई थोड़ा थोड़ा सा एक थोड़ा सा मैडम जी आ जाइए आपको नहीं खाना तो लगा ही होगा चेक करने आती हूं ना थैंक यू सो मच गाइस जिस प्रॉपर्टी में हम आज बैठे हैं ना मतलब कल बैठे थे आज तो हम यहाँ से निकल रहे हैं तो ये है रिंग हेरिटेज मिलवाते हैं मतलब कॉर्नर से आपको मिलवाना ज़रूरी है क्योंकि मतलब सारे अरेंजमेंट उनके तरफ से हुआ है यहाँ पर सारे चीज़ें भाई लोग को मतलब फ्री तो नहीं कहूँगा मगर स्पॉन्सर्ड क्या हुआ है तो एंजॉइंग बहुत मज़ा आ रहा है बहुत बढ़िया और थैंक यू सो मच सारा चीज़ अरेंज करने के लिए वेलकम ये हमारा आप लोगों को होस्ट करने को मिला ये हमारा प्लेजर है नहीं यार मतलब थैंक यू फिर भी सो गाइस यार रिंग हेरिटेज याद करना अगर कभी भी मतलब किसी भी वक्त अगर दार्जिलिंग आप आते हो तो यार डू विजिट दिस प्रॉपर्टी मजा आएगा आपको सही बता रहा हूँ एक्सपीरियंस हमारा रूम नंबर 503 में हम लोग और यहाँ का जो व्यू है जस्ट वंडरफुल एंड ये तो बस बालकनी का व्यू हुआ अगर हम सामने से दिखाएं ना तो इंटायर दार्जिलिंग यहाँ से दिखता है एंड नेक्स्ट टाइम हम आ गए ना तो जरूर ये प्रॉपर्टी प्लस इसी रूम पर हम बैठेंगे मगर कब बैठेंगे तो वैसे तो मतलब इस ट्रिप तो नहीं कहूँगा मगर जो ये शेड्यूल चल रहा है जो ये बिजी शेड्यूल का जिम्मेवार है सौरभ भाई सही बता रहा हूँ सौरभ भाई ने आग लगा डाला है यहाँ पे एंड थैंक यू सो मच सौरभ भाई सिलीगुड़ी में आज धमाका होगा भाई खतरनाक मतलब खत्म टाटा बाय बाय गुड नाइट सी यू नेक्स्ट बॉडी का जो बैंड बजने वाला है मगर जो भी बोलो गाइस सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सौरभ भाई को ठीक है थैंक यू सो मच सौरभ भाई ये अपॉर्चुनिटी लाने के लिए स्पेशली पूरे नॉर्थ बंगाल या वेस्ट बंगाल में मतलब UK07 को लाने के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान इनका सबसे बड़ा हाथ फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं हम टुवर्ड्स सिलीगुड़ी एंड प्लान में ना मतलब सडन यहाँ पे चेंजेस आता हुआ मतलब पल भर में यहाँ पे चेंजेस हो रहा है ठीक है तो चलो कभी क्या प्लान था मिरिक से होकर निकलने का मगर मिरिक हुआ कैंसिल और फिर क्रेशिंग होकर रोहिणी उतरना पड़ेगा क्योंकि मिरिक से काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस मतलब पड़ जा रहा है हमें वहाँ से बाबू आएगा एक्चुअली काफ़ी काम आ रहा है बीवी में भी तो उसको चलते हुए भी हमें सब कुछ अरेंज करके देखना हो रहा है तो फाइनली हेयर वी आर मूविंग टूवर्ड्स दार्जिलिंग नॉट दार्जिलिंग यार मतलब लाटागुरी आई थिंक मगर अभी भी प्लेस रिवील नहीं होगा क्योंकि काफ़ी टाइम बाकी अभी भी मतलब यहाँ पे पल भर में जो प्लान है ना वो चेंज हो रहा है तो चलो फाइनली आप निकलेंगे ठीक है हम इसके लिए आप फाड़ेंगे भाई यहाँ पे देखे गाइस काफ़ी लोग क्रेजी लोग यहाँ पे रुके हुए हमारे लिए चलो बढ़िया अब होगा तबाही गाइस तबाही तो अब होने वाला है अब होने वाला है अब होने वाला है सो हियर इज काफी लोग यहां पे थोड़ा अब निकलते हैं अभी साउंड चेक करेंगे भाई अपना कहां चलो फिर पुलिस तो नहीं लेकिन आदि ना दाढ़ी स्टार्ट करते हैं लोगों को साउंड चेक करवाते यार एक्साइटमेंट लगेज को टाइट कर रहे हैं वैसे हम ला भाई फेरी बैठूँ पक्का पक्का जरूर अब अपडेट अर्जुन सब अपडेट थैंक यू सर फिर भेट अर्जुन पक्का राइट से बहुत बढ़िया ये तो शुरुआत है वेदर बहुत मस्त चलता है भाई साहब बहुत बहुत अच्छा है भीड़ यहाँ पे जम चुका है अभी एक्चुअली हायाबुसा का जो पीछे का टायर है ना वहाँ पे हवा कम है तो यहाँ पे पंचर हुआ था उनका काटी घिस गया था सब लोग यहाँ पे रिपेयर होता हुआ सो दर्शन हाय बंदे हेलो हाय 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 गाइस फाइनली अर्जुन से मिल गया एंड अर्जुन की वजह से आज बाबू भाई के साथ भी मिलने का मौका मिला थैंक यू सो मच अरे भाई हलता भाई फुल था भाई फुल पावर के साथ ये देखो ओह माय गॉड इतना क्रेज रम से या
8 माइल हम यहाँ पे रुके हैं ना, लंच हुआ हमारा। लंच में हमने लिया मोमो, बाबू भाई ने लिया चिकन राइस एंड ये है वोडका, क्या कहते हो वोडका खाकर सही से उतर दे सिलीगुड़ी। वैसे दिस नॉट वोडका, दिस इज गर्म पानी जरूरी है पीना क्योंकि काफ़ी ठंड तो नहीं होंगे मगर हम वो इंचटर नहीं पहने हुए, बस ओनली टी शर्ट उसके चलते। अब ये खाकर मतलब ये पी कर यहाँ से आगे बढ़े, तब का हुआ हमारा यहाँ पे लंच ओवरऑल से। हमारा लंच हुआ निकी रेस्टोरेंट पर, तो आई डू रिकमेंड यू टू बी हियर अगर आप दार्जिलिंग या सिलीगुड़ी और चलते हैं तो, क्योंकि बाबू भैया एंड हम यहाँ पे रुक के खाए ना। तो यार अभी वो होता होता ना सब लोग कृष्ण में प्यार ढेर सारा मिलता हुआ यहाँ पे। जाम नहीं लगाने का, बाइक साइड में रखने का, बाइक बाबू भैया के लिए काफी लोग भाई साहब क्रेजी भाई, बाइक ऐसे मत लगा रे, ऐसे मत लगा। बाइक साइड में, बाइक साइड पर, बाइक लाइन पर ओह माय गॉड भैया चलो आराम से ज्यादा झुंड में नहीं। एक अलग ही लेवल का आराम से भाई। कब यहाँ पे काफ़ी भीड़ जमता हुआ सही बता रहा हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पे घेर चुके हैं बाबू भैया का। अभी तबाह पता नहीं सिलीगुड़ी पहुँचते पहुँचते क्या हालत होगा, अभी बहुत 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 मुश्किल हो रहा है संभालना इनको। इनका जो बाइक का साउंड सुनो भाई, तो भाई ओह माय गॉड आराम से देखो गाइस, तो भाई ओह माय गॉड ये देखो पूरा चक्का जाम। ये देखो पूरा मतलब कैसे चला रहे ना आराम से चलाओ। आज लग गया, ये तो आगे का नज़ारा, ये देखो पीछे का नज़ारा, बहुत ही हालत ख़राब। संभालना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, संभालना एकदम मुश्किल हो रहा है। पता नहीं दार्जिलिंग में क्या होगा, दार्जिलिंग मोड़ में अभी क्या होगा। बोल रहे थे 3 दिन से वेट कर रहा हूँ, अपना इमोशन निकल रहे थे यहाँ पे। भाई साहब तबाही मतलब क्या है ये भाई? कोई बिना हेलमेट, मतलब एटलीस्ट आप आ रहे हो तो हेलमेट तो पहनो यार, इससे हमें नुकसान दिलाओगे आप, से बता रहे तबाही मचेगा वाला था ना, तबाही मच चुका है अभी। Go!
फर्स्ट एक्सप्रेस, बस देखते थे अब क्या होगा पता नहीं, क्योंकि दार्जिलिंग मोड़ आने को अभी, अब दार्जिलिंग मोड़ में और मचेगा तबाही। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये देखो कहाँ गया ये बाइक, ये था क्या, अब ये बाइक गिरा, ये बाइक, ये ओह माय गॉड, ये देखो और एक जन यहाँ पर, और दूसरा एक्सीडेंट हुआ रे, आराम से भाई आराम से, भाई साहब क्या होगा पता नहीं आप, यार मतलब क्या है ये, और शिट, और शिट, जो जैसे मार रहा है चला रहा है, हाँ जो जैसे मार रहा है भाई चला रहा है, हाँ सो रीच दार्जिलिंग मोड़ एंड अभी यही बाकी था, ये देखो से चलो आराम से, अब पुलिस आ गई यहाँ पे, सही बता रहा हूँ अभी आएगा पुलिस, पता नहीं किस किस का क्या होगा, गाइस ये देखो पुलिस आ चुकी है अभी पूरा, कौन आराम से थैंक यू ला दिया ना डार्जिलिंग बोर्ड, चलो अरे कल से परसों से बैठा मैं 12 बजे तक, मेरे को समझ लिया बाबू भैया, मेरे को पता है थैंक यू आराम से दौड़ाना, ठीक है आराम से दौड़ाना, हाँ देसी ब्लॉगर ही हूँ देसी, थैंक यू यार इट वाज नाइस मीटिंग यू, पक्का चलो फिर आराम से कोई नहीं एकदम, या मार्क से ऐसे उतरे इतना भीड़ में, चलो थैंक यू अब मैं मतलब मेरे को खुद ही संभालना पड़ रहा है अभी, मेरा झुंड को मुझे संभालना पड़ रहा है, उतरे बने तो उतरना मो उतरी दिना, हाँ अरे यार चलो यार थैंक यू बस आराम से ठीक है आराम से, कोई नहीं आराम से, अरे मैं नहीं हूँ पीछे आ रहा है मेरे को मत, अरे बैग गिरने दो अभी देखते क्या होगा, भाई साहब ये देखो सामने का दृश्य, ओह माय गॉड, या थैंक यू भाई आराम ले कूदो यार, थैंक यू बस आराम से चलाना भाई आराम से चलाना, थैंक यू बस फोटो लो फटाफट लो, हाय या थैंक यू भाई साहब मेरे को मार्क्स उतारना पड़ेगा, इधर आ भाई साहब या थैंक यू जी आराम से दौड़ाना, ठीक है आराम से, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं, थैंक यू चलो थैंक यू या हाय गाइस या हाय गाइस यस व्हाट्सअप क्यों मैं नहीं हूँ भाई वहाँ पे भी हूँ, चलो या थैंक यू सो मच थैंक यू
थैंक यू दा अरे सेल्फी लो हामीले यस्तो इज्जत गरेर थियो हजुर हजुर दा थैंक यू थैंक यू हाँ ठीक है वो फंस गया क्या बाबा एको प्लीज अरे गाइस ला थैंक यू ब्रो थैंक यू दार्जिलिंग में हुआ पंगा यहाँ पे लिया ला गए ला प्रॉब्लम होते हैं क्या ही बताएगा ओह माय गॉड चक्का जाम हो चुका है यहाँ पे कौन कहाँ से भैया यहाँ पे प्रॉब्लम होता हुआ हाँ भाई मेरा पीछे मत आ यार अभी मेरा पीछे मत आओ प्लीज पुलिस आ जाएगा टोपी हटाइए ना आप टोपी हटाने का सीन ही नहीं होगा यहाँ पे टोपी हटाऊंगा तो अभी झुंड और मेरे पे आएगा फिर तो चलो गाइस हाँ पक्का भाई पक्का हाँ रोंगटंग से ऊपर तीन दारिया हाँ गाय भरी चलो क्या मार रहा है किसको हाँ खुद अभी पुलिस ही साइड कर रहा है बाइक को ओह माय गॉड बहुत क्रेजी है चल पुलिस स्टेशन से निकल चुके काफ़ी लोगों में भीड़ हम आए थे बाइक में अभी हम फोर व्हीलर पे So guys, पुलिस स्टेशन जाने का सपना भी तुम लोगों ने पूरा करवा दिया बट मैं सिलीगुड़ी पुलिस को ना थैंक यू बोलना चाहूंगा यार इतनी अच्छे से एस्कॉर्ट करके हम लोगों को लेके थैंक यू सो मच परे भाई एंड नो अभी हम लोग फाइनली यहां से निकल रहे हैं हाँ। काफी दूर तक हम निकल चुके एंड फाइनली वी आर ऑन द गो मगर अभी भी कुछ लोग पीछा कर रहे हैं हमारा ट्रक लोग साइड में पीछा करने भेज देते हैं भाई यहां नहीं बाजार है यहां पे बाजार और भीड़ लगेगा फिर जंगल देखना पड़ेगा हमें हां यहां पे तो पॉसिबल नहीं पुलिस आ जाना यहां पुलिस भी नहीं है हमको तो इधर से जाने बोला इधर तो ब्रिज बंद है ना ऑफिसर जानता नहीं है अभी वाटर ब्रेक के लिए एक्चुअली रुके हुए हैं लाइक कुछ छोटा सा काम आया था बाइक के चलते तो एक बंदा आ रहा है बाइक की चाबी लेकर फिर वापस जा रहा है तो काफी कुछ यहाँ पे झमेला हम एक्चुअली झेल रहे अभी भी मतलब झुंड यहाँ पे पीछा नहीं छूटता हुआ काफी लोग हमारे गाड़ी को अभी भी फॉलो कर रहे हैं वैसे हम लोकेशन यहाँ पे अभी रिवील नहीं कर रहे क्योंकि मतलब भाई मतलब जो आज हमने देखा ना जो महसूस किया जो एक्सपीरियंस किया ना ये मतलब ये हार्डकोर लेवल वाला जो ऑडियंस का प्लेयर यहाँ पे देखने को मिला ना इट्स मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड यार मतलब ये कहीं नहीं होता ये सब एंड आज हम यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं लिटरली यार मतलब हम मैनेज करके कैसे निकले एंड मतलब क्या था सिचुएशन वो तो हमें पता है तो रूम पहुँच कर ना अच्छे से मतलब डिस्कस करेंगे बातें करेंगे आपसे शेयर करेंगे काफ़ी कुछ बात करना है आज इस तबाही को लेकर 10:46 PM एंड सीन आज यहाँ पे क्रिएट हुआ हमारे दार्जिलिंग मोड़ पर ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं किया था मगर यार मतलब 1000 से 2015 कितना बोलूँ यार मतलब काउंटलेस भीड़ जमा था तो उसको संभालने के लिए ना मतलब बहुत 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 गंदा वाला सीन यहाँ पे हुआ ट्रैफिक पुलिस आ चुकी थी ट्रैफिक पुलिस का मतलब इतना मतलब उनका सैल्यूट यार मतलब जितना मतलब हमें हेल्प किया हमें रेस्क्यू करके सिलीगुड़ी पुलिस थैंक यू सो मच दिल से मतलब शुक्रिया एंड क्योंकि आपने हमें रेस्क्यू किया मतलब पुलिस स्टेशन थाने ले गए सेफली मतलब पानी वानी पिलाए एंड सेफली हम अपना लोकेशन पहुंचे नहीं तो पहुंचना बहुत नामुमकिन था भाई एकदम खत्म बहुत गंदा वाला सीन वहाँ पे क्रिएट हो चुका था मगर फैंस का जो प्यार है ना वो सबसे ऊपर रहता है हमारे लिए अक्सर मगर ऐसा भी नहीं कि मतलब हम जान ही छोड़ दें आज तो जान निकल ही गया था आपका भी एंड हमारा भी आपने देखा भी होगा वीडियोज में कि क्या सीन था तो गाइस यार आज का दिन काफ़ी मज़ेदार था काफ़ी धमाकेदार था काफ़ी बवाल मचा है यहाँ पे मतलब कि क्या ही बताएं तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं लाटागुरी एंड लाटागुरी में हम करने जा रहे हैं अभी डिनर रात के 11 बजे मगर अभी भी अपने साथी लोग अपने भाई बंधु लोग रास्ते पर है क्योंकि वो लोग बाइक से आ रहे हैं कोई गाड़ी से आ रहे हैं तो हम पहले निकल चुके थे तो उनको सारा अरेंजमेंट करके चलना पड़ रहा था तो बिग थैंक्स टू द टीम एंड टू माई सेल्फ टू सौरभ भाई
सभी को तो यार मतलब इट्स प्लेजर तो नहीं कहूँगा मगर इट्स हार्ड कोर. सो विद दिस इट गाइस मैं स्वीट से वीडियो को भी यही पेन कर देता हूँ. मेरी वीडियो लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना. टिल देन स्टे ब्लेस स्टे हेल्थी, बाय बाय. मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, अगले व्लॉग्स में आपको सारा डिटेल्स बताऊंगा कि क्या सीन रहा, क्योंकि आज ना मतलब काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका है तो आराम की बहुत ज़रूरत है. तो बाय बाय.